सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड को अपने मोबाइल से ही ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हो। या दोस्तों, अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और आपका डेबिट कार्ड कहीं खो गया है या चोरी हो गया है, तो कैसे आप उसको अपने मोबाइल से ही ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हो घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और आप अपने मोबाइल से ही उसे ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हो। आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कस्टमर केयर से कोई बात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा जिससे आप अपने कार्ड को आसानी से ब्लॉक कर सको, या फिर आपने ब्लॉक कर दिया है और आप उसे अनब्लॉक करना चाहते हो तो दोस्तों आसानी से आप उसे 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर उसे अनब्लॉक कर सको। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में PNB बन नाम की एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अब वहाँ से जाकर डायरेक्ट इसे इंस्टॉल कर लेना। तो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने 3-4 तरह के ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों, आपको बीच वाले पे क्लिक करना है। इस पर पंजाब नेशनल बैंक का जो लोगो बना हुआ आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसे लॉगिन करना है, यानी कि अपना पासवर्ड डालना है। चलिए, मेरा यहाँ पर फिंगर से अनलॉक हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर अपनी फिंगर से इसे अनलॉक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरी जो एप्लीकेशन वो ओपन हो चुकी है। अब आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों, आपको जाना है डेबिट कार्ड पर। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ग्रीन कलर का, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो आपके डेबिट कार्ड से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, हमें जाना है इस वाले ऑप्शन पर, डेबिट कार्ड ऑन और ऑफ। इस पर आपको क्लिक करना है। बाकी जो ऑप्शन है उसके दोस्तों अलग अलग फीचर हैं। तो हमें दोस्तों इसमें अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक करना है, तो हमें इस पर जाना है डेबिट कार्ड ऑन और ऑफ पे। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ से जो हमारा अपना अकाउंट नंबर पूछ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आपके वो सारे अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मेरा दोस्तों सिर्फ एक ही अकाउंट है, तो मेरा यहाँ पर एक ही शो हो रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करने का। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताऊँगा, आपको नीचे एक नोटिस दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि आप यहां से सिर्फ अपना डेबिट कार्ड को टेम्परेली ब्लॉक कर सकते हो, परमानेंट ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर आपको अपना डेबिट कार्ड परमानेंट ब्लॉक कराना है तो उसके लिए दोस्तों आपको अपनी ब्रांच जाना पड़ेगा या फिर आपको कस्टमर केयर पर कॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ऐसे में कस्टमर केयर से ठीक से बात नहीं हो पाती है, तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा अपना डेबिट कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक कराने के लिए। लेकिन अगर आपका कार्ड घर में कहीं खो गया है, आपको लगता है वो मिल सकता है, तो दोस्तों आप यहां से उसे टेम्प्रेरी ब्लॉक कर सकते हो। टेम्प्रेरी ब्लॉक करने के बाद दोस्तों आपके अकाउंट को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसा कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं उन्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहां पे अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर उसे आपको अकाउंट में सेलेक्ट करना है। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आपके इस अकाउंट पर जो आपने अकाउंट सेलेक्ट किया उस पर एक से ज़्यादा डेबिट कार्ड एक्टिव हैं तो यहाँ पर 200 शो हो जाएंगे। तो मेरा एक ही डेबिट कार्ड एक्टिव है, तो चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी ब्लॉक करना चाहते हो आपको वही डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेम्परेरी लॉक द कार्ड, तो आपको इस फंक्शन को ओपन कर देना है। चलिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये आपसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांग रहा है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे तो उस टाइम पे 2-4 पासवर्ड हमें बनाने पड़ते हैं, जैसे लॉगिन पासवर्ड और अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों ये पासवर्ड होता है वो। तो ये पासवर्ड आपको पता होगा, अगर आपने PNB बन एप्लीकेशन में अपनी ID बना रखी है तो आपको इसके पासवर्ड के बारे में ज़रूर पता होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, तो चलिए मैं आपको डालता हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, अब मैं आपको कन्फर्म पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए,
मेरे इस एप्लीकेशन पर सक्सेस का मैसेज आ चुका है कि मेरा कार्ड टेम्प्रेरी ब्लॉक हो चुका है। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से अपने कार्ड को टेम्प्रेरी ब्लॉक कर सकते हो अगर आपका कार्ड घर में कहीं खो गया है, या फिर आपको लगता है कि देखिए दोस्तों मैसेज भी आ चुका है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कि मेरा कार्ड टेम्प्रेरी ब्लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपका कार्ड घर में कहीं खो गया है, या फिर आपको लगता है कि आपका कार्ड जहाँ खो गया है वो मिल सकता है, तो दोस्तों आप उसे यहाँ से टेम्प्रेरी ब्लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके अकाउंट से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पैसे निकालने वाले, क्योंकि दोस्तों चाहे आप टेम्प्रेरी ब्लॉक करो कार्ड को या फिर परमानेंटली ब्लॉक करो, आपका कार्ड दोनों कंडीशन में ब्लॉक ही हो जाता है। लेकिन दोस्तों, टेम्प्रेरी ब्लॉक करने से यह फ़ायदा है आपको कि अगर आपका कार्ड आपको मिल जाता है तो आप उसे फिर से एक्टिवेट कर सकते हो अपने मोबाइल से ही। लेकिन अगर आपने उसे परमानेंटली ब्लॉक कर दिया तो उसके लिए दोस्तों आपको अपनी ब्रांच जाना पड़ेगा और शायद आपको उसके लिए कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप उसे यहाँ से ऐसे टेम्प्रेरी ब्लॉक कर सकते हो अगर आपका कार्ड कहीं खो जाए और आपको लगता है वो मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है वो नहीं भी मिलेगा, फिर भी आप उसे यहाँ से टेम्प्रेरी ब्लॉक करके अपनी टेंशन को ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जब तक वो कार्ड एक्टिवेट नहीं होगा कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता। अब दोस्तों, आप चाहते हो कि आपने जो कार्ड ब्लॉक किया है वो कार्ड आप एक्टिवेट करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों वो कार्ड आपको मिल गया है तो आप चाहते हो कि फिर से आप उसे एक्टिवेट कर लो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बैग आना है। बैग आने के बाद दोस्तों आपको फिर से डेबिट कार्ड पर जाना है। आने के बाद दोस्तों फिर से आपको उसी ऑप्शन पर जाना है, डेबिट कार्ड ऑन और ऑफ, यानी ये वाला ऑप्शन आपको उस पर सिलेक्ट करना है फिर से। तो यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, आपको वही अकाउंट नंबर डालना है जिस अकाउंट पर डेबिट कार्ड आपने ब्लॉक किया था। तो दोस्तों, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों देखिए, हमारे फिर से ऑप्शन आ चुका है डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने का, तो मैं फिर से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि दोस्तों इसे मुझे अब एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैं इसे ब्लॉक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि मेरा कार्ड टेम्परेली ऑलरेडी ब्लॉक है तो मुझे एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो येलो कलर का ये निशान बना हुआ आ रहा है, आपको इसे ऑफ कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑफ करोगे आपके सामने फिर से ऑप्शन आने लगेगा आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने का। देखिए दोस्तों, हमारे पास फिर से ऑप्शन आ चुका है, हमारे जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है उसे यहाँ पर डालने का। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और मैं आपको अब कन्फर्म पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरा कार्ड अब ऑलरेडी अनब्लॉक हो चुका है, यानी कि मेरा कार्ड अब एक्टिवेट हो चुका है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ब्लॉक किया था, अब वो अनब्लॉक हो चुका है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि सक्सेस का मैसेज मेरे इस एप्लीकेशन पर आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ही मैसेज आ चुका है कि मेरा जो अभी डेबिट कार्ड ब्लॉक हुआ था वो अब अनब्लॉक हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हो। दोनों ही कंडीशन में दोस्तों आपको इसी एप्लीकेशन को ओपन करना है और इसी एप्लीकेशन दोस्तों जो जो फंक्शन मैंने आपको बताया है आपको उन्हीं को ओपन करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तरीका अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हो। काफ़ी ईजी ट्रिक है, आपने आसानी समझ ली होगी कि कैसे आप दोनों ही कंडीशन में अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।